एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। बिहार विधानसभा चुनाव के बाकी बचे तीन दौर के मतदान के लिए सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग की टीम ने दो दिन का दौरा करके एक तरफ जहां मतदान की तैयारियों को लेकर समीक्षा की है और तैयारियों का जायजा लिया है, साथ ही सुरक्षा इंतजामों पर भी निगाह दौड़ाई है। सभी पोलिंग बूथों पर शत प्रतिशत केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की बात भी कही गई है। बिहार में सियासी हलचल भी पूरे चरम पर है। सभी पार्टियां जोरदार प्रचार कर रही हैं, वहीं नारों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। चुनावी रण में अच्छे दिन का नारे को लेकर बयानबाजी हो रही है। लोकतंत्र में बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी संस्था से भी जो नाटकीय अंदाज में गली गली चुनावी चर्चा के रंग बिखेर रही है। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 100% होगी तैनाती। संवेदनशील इलाकों में वोटिंग से पहले होगा फ्लैग मार्च। पांचवें दौर के नामांकन का काम पूरा। 5 नवंबर को 57 सीटों पर मतदान, 8 नवंबर को वोटों की गिनती। अच्छे दिन पर नीतीश कुमार का एनडीए पर निशाना, कहा जनता को लौटा दो उसके पुराने दिन। रविशंकर प्रसाद का दावा, बीजेपी लाएगी अच्छे दिन। तीसरे दौर के प्रचार में तेजी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मनेर में रैली, नीतीश लालू की भी जनसभाएं। चुनाव आयोग ने बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 100% तैनाती करने की बात कही है। इतना ही नहीं, आयोग ने तीसरे, चौथे और पांचवें दौर के मतदान से पहले संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में दो दिन के दौरे पर बिहार पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने विधानसभा चुनाव के बाकी बचे तीन चरणों की तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी चुनाव अधिकारियों और राज्य अधिकारियों से मुलाकात करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कड़े निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीम जैदी का कहना था कि आयोग की मॉनिटरिंग टीम ने अब तक 36 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इससे पहले रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने का भरोसा दिलाया था। मुजफ्फरपुर में हमने फेज 4 और 5 के सभी अधिकारियों के साथ बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करी है और उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ख़ास तौर से सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और सभी अधिकारियों ने हमें उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताया गया है। ख़ास तौर से एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो हमारे पास केंद्रीय बल है उसके बारे में डीएम और एसपी को बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे 100% हमारे केंद्रीय बलों का इस्तेमाल पोलिंग स्टेशन पर भी करें और पोलिंग प्रेमिसेस के अंदर करेंगे। 28 अक्टूबर को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। प्रचार अभियान में एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कई केंद्रीय मंत्रियों की बिहार में रैलियां प्रस्तावित हैं और इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मनेर में रैली करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। और उधर तीसरे चरण के लिए हो रहे प्रचार में महागठबंधन ने भी अपना पूरा दमखम ठोक दिया है। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कई रैलियों और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार की इस्लामपुर, नालंदा, राजगीर, मुकामा, बाढ़ और फतुहा में कई चुनावी कार्यक्रम हैं। तो तमाम सरगर्मियां बढ़ रही हैं बाकी बचे तीन दौर के लिए। कृति मिश्रा हमारी संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ी है, उनका रुख करेंगे। कृति, पहले तैयारियों को लेकर अगर बात करें आगे के तीन चरणों की, तो क्या अभी भी धनबल के इस्तेमाल की आशंका आयोग की हो है? और साथ ही जो पिछले दो चरण में चुनाव हुआ है, हालांकि पिछला रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन क्या आयोग की नज़र है कि चुनाव फीसद को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए जागरूकता और तैयारियाँ आयोग की तरफ से? जी हाँ प्रीति, देखिए लगातार जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तभी से हम देखते आए हैं कि कहीं ना कहीं
कैश सीज होने की घटना, लिकर सीज होने की घटना होती आई है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने कड़े कदम उठाए हैं और सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता कर लिया गया है। हमने देखा है कि किस तरह से पहले और दूसरे चरण में वोटर टर्नआउट हुआ है, उससे प्रेरित होकर चुनाव आयोग अपने स्वीप प्रोग्राम, जो वोटर्स मोटिवेशन और इंस्पिरेशन प्रोग्राम है, उसको और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही सबसे बड़ा जो चुनाव आयोग का जो अभी मुद्दा है वो है निष्पक्ष चुनाव कराना, क्योंकि वो चाहता है कि जितने भी वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के, वो किसी भी भय के बिना ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर आएं और अपने मत का प्रयोग करें। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट पोलिंग स्टेशन के अंदर बाहर 100% डिप्लॉयमेंट तक का वो प्रस्ताव रखा है। साथ ही जो अभी यहाँ पर त्योहार का माहौल है, कोई किसी तरह की कम्युनल घटना ना हो, कम्युनल टेंशन ना हो, तो उसको भी कंट्रोल में रखने के लिए सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी प्रीति, इसके अलावा अब जो आगे के दौर है, खासतौर से 28 अक्टूबर को तीसरे दौर का मतदान है, आप पटना में मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं कृति प्रचार को लेकर के, अलग अलग दलों की बात करें तो? जी हाँ प्रीति, आप कहीं भी सड़क पर निकल जाइए, आपको चुनावी नजारा भरपूर देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो ऑटो आती हुई हो, चाहे वो पोस्टर हो, बैनर हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अपने नेताओं के वो मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं चारों तरफ, लोगों को सारी पार्टियां रुझाने की कोशिश कर रही हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी उतनी ही तेज चल रहा है। यहाँ पे अब त्योहार भी है, खासकर दुर्गा पूजा काफी उत्साह से मनाया जाता है। कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार की गति थोड़ी मध्यम तो पड़ी है, लेकिन अभी भी आरोप प्रत्यारोप कहूँ, इलेक्शन कैंपेन कहूँ, वो अपने चरम पर है। जी प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया कृति हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तमाम बड़े नेताओं की रैलियां आज भी हैं, चाहे एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, तमाम बड़े नेता, अगुआ नेता आज भी चुनावी रण में उतरे हुए हैं और लगातार प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वहीं एनसीपी ने एनडीए और महागठबंधन पर आरोप लगाए हैं। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि दोनों ही गठबंधन बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। एनसीपी ने दोनों पर जातिगत राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। पार्टी ने जनता से सेक्युलर ताकतों को मजबूत करने की बात कही है। हाल ही में एनसीपी तीसरे मोर्चे से अलग होकर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कल मंच से गिरने से मामूली रूप से घायल हो गए। सीतामढ़ी में एक जनसभा के आयोजन के दौरान यह हादसा उस वक्त हुआ जब मंच पर जरूरत से ज्यादा लोग आ गए। हालांकि इलाज के बाद पप्पू यादव ने एक और जनसभा को संबोधित किया। तीसरे मोर्चे के साथ चुनाव लड़ रही पप्पू यादव की पार्टी ने 109 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और बिहार में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। वादों और बयानों का दौर भी तेज हो गया है। पार्टियां नारों के जरिए जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन इन्हीं नारों पर राजनीति भी शुरू हो गई है। नारों को लेकर चुनावी मैदान में क्या हो रहा है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। अच्छे दिन को अपने पास रख लीजिए, पुराना दिन ही लौटा दीजिए देश की जनता। नारे तो नारे होते हैं, चाहे वो चुनाव के दौरान दिए गए हों या फिर चुनाव जीतने के बाद। जनता नेताओं के नारे को याद रखती है, इसे पार्टियां बखूबी जानती हैं, और शायद यही वजह है जब चुनाव आता है तो नारे एक बार फिर सुर्खियां बन जाते हैं। पहली बार बिहार का चुनाव। बिहार में चुनावी माहौल में नारों ने एक बार फिर अपनी जगह बना ली है। चिढ़ाता जंगल राज, अरे यहाँ जंगल राज, यहाँ कानून का राज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक नारा सुर्खियां बन गया है। अच्छे दिन आएंगे, उम्मीद किए हुए थे, आने गए अच्छे दिन। अरे मोदी जी, अच्छे दिन को अपने पास रख लीजिए, पुराना दिन ही लौटा दीजिए देश की जनता को, तो बड़ी कृपा हो। नीतीश कुमार अच्छे दिन के बहाने बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, तो भला बीजेपी कैसे चुप रहती। बीजेपी ने एक बार फिर दोहराया कि अच्छे दिन आएंगे। नीतीश बाबू, लालू जी के साथ जाकर आपने जंगल राज के पुराने दिनों को लौटा दिया है। हमसे आप पूछ रहे हैं, हम तो अब अच्छे दिन लाएंगे।
लोकसभा में नारों की लोकप्रियता ने पार्टियों को नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया और शायद यही वजह है कि बिहार चुनाव में सभी पार्टियां अपने प्रचार को लेकर खासा सजग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार के चुनावी दंगल में दालों की ऊंची कीमतें बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। महागठबंधन इस मसले पर जहां केंद्र सरकार को घेर रहा है, वहीं बिहार दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री जल्द ही दाल की कीमतों में कमी आने की बात कह रहे हैं। बढ़ी हुई कीमतों के चलते आम आदमी की थाली से नदारद होती दाल बिहार में चुनावी मुद्दा बनकर उभर रही है। दालों की ऊंची कीमतों और महंगाई के मुद्दे पर महागठबंधन लगातार केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साध रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी रैलियों और जनसभाओं में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। वैसे भी दाल तो इतना महंगा हो गया कि कहां से बात करें, 200 रुपया किलो पार कर गया। बताइए, हम लोग तो आज तक नहीं सुने थे कि 200 रुपया किलो दाल। उधर बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे केंद्रीय मंत्री दाल की कीमतों और महंगाई को जल्द काबू में लाने की बात कर रहे हैं। सोमवार को राज्य में प्रचार करने गए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा ही दावा किया। शक्कर की कीमत, पेट्रोल, गैस, डीजल की कीमत और आम चीजों की कीमतें कम हुई है। ये आज जो दाल के भाव बढ़े हैं या प्याज के भाव बढ़ते हैं, इसका संबंध आर्थिक नीतियों से नहीं है, डिमांड और सप्लाई से। बिहार में अब 3 चरणों की वोटिंग बाकी है। पहले 2 दौर में राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान से बुनियादी मुद्दे भले ही दूर रहे हों, लेकिन सभी पार्टियां अब प्रचार अभियान में जनता से जुड़े मुद्दों पर भी खासी तरजीह दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए हम जुड़ेंगे समय पटना से, हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, उनसे हम ज़्यादा बातचीत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। नवल किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। अब 2 दौर के चुनाव हो गए हैं, 81 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है, 3रे दौर पर जाहिर तौर पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। किस तरह से पहले के 2 दौर से इस दौर को आप अलग मानते हैं और क्या माना जाए RJD और लोक जनशक्ति पार्टी की भिड़ंत का ये अंतिम दौर साबित होगा, 3रा चरण खासतौर से? निश्चित रूप से ये अंतिम दौर साबित हो रहा है। हाँ। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा मुकाम पर हम पहुंच पाए हैं जहाँ पर जीवन से संबंधित मुद्दे सामने आ रहे हैं। जैसा कि में आया कि महंगाई एक मुद्दा के रूप में उभर रहा है, निश्चित रूप से इस बात की कोशिश की गई थी कि राज्य की जनता को 2 खेमे में बांट दिया जाए, जात के पर, धर्म के आधार पर। और आरक्षण का मुद्दा काफी गर्म रहा, लेकिन अब जब NDA की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि NDA और विशेषकर BJP आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है, उसमें कोई परिवर्तन की नीति की पर विचार नहीं कर रहा है, तब महंगाई जैसे मुद्दे सामने निश्चित रूप से उभर कर आ रहे हैं। विकास का मुद्दा सामने आ रहा है, गवर्नेंस का मुद्दा, शासन प्रशासन अच्छा हो, इसका मुद्दा सामने आ रहा है। स्वाभाविक रूप से जनता के सवाल जब सामने आएंगे तो चुनाव का जो स्तर है वो ऊंचा होगा, और जिस तरह की छींटा कसी हुई है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, उसमें शायद सुधार हो। लेकिन दुख के साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि महंगाई पर भी जो बहस है वह बहस इनफॉर्म्ड डिबेट नहीं है। यह बताने की कोशिश हो रही है कि महंगाई का सवाल सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ सवाल है। यह अवश्य है कि केंद्र की आर्थिक नीति, खास करके ट्रेड पॉलिसी जिसके तहत आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसका असर महंगाई पर पड़ता है,
और फिर मौद्रिक नीति का असर पड़ता है, जिसको कि रिजर्व बैंक निर्धारित करती है और उसने उस पर काफी ध्यान सख्ती बरती है। लेकिन यह भूल जाते हैं कि दाल जैसी चीज का दाम बढ़ने का एक बड़ा कारण है कि राज्य में दाल का उत्पादन कम होना, और आज भी भारतीय संविधान के तहत कृषि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब पिछले वर्षों में दाल की खेती कम हुई या दाल का उत्पादन कम हुआ तो उन्होंने ये इसके बारे में क्या नीति अपनाई, क्या यह सही है कि ये देखना होगा। नवल किशोर जी, यानी आगे हमें ये देखना होगा कि अभी तो नीतीश कुमार पूरी तरह से महंगाई का जो बोझ है बढ़ा है जनता पर वो केंद्र सरकार पर थोप रहे हैं, लेकिन बचाव किस तरह से करती है केंद्र सरकार इसका, इस पर जरूर नजर होगी। अपने जवाब किस तरह से देते हैं एनडीए के नेता? वो निश्चित रूप से नजर होगी, और अभी की सरकार डिफेंसिव है, वो सुरक्षा की सुरक्षात्मक दृष्टि से इसका प्रतिकार कर रही है। लेकिन मेरे जैसा नागरिक को यह हक है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, हक है बिहार सरकार से पूछने का कि राज्य में कृषि आपके अंदर आता है, आपने पिछले वर्षों में कृषि दाल के उत्पादन के लिए क्या किया। बिल्कुल, यानी आरोप का जवाब किस तरह से दिया जाता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चलेगा। लेकिन नवल किशोर जी, जैसा आप बता रहे, एक अच्छा संकेत हमें यह मिला है कि अब कहीं जातिगत गोलबंदी की जहां तक बात हो रही थी उससे हटकर कम से कम अब महंगाई के मुद्दे के जरिए ही बात उठी हो, लेकिन कुछ असल मुद्दों पर बात हो रही है, इसे हम अच्छी बात मान सकते हैं कम से कम। नवल किशोर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। और इस बातचीत के बाद फिलहाल यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे परेशानी का सबब बना ऊंचाई कोर्ट का जर्जर पुल। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक तानाबाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार में हर तरफ चुनाव की सरगर्मियां हैं, और अब चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, कार्यकर्ता हो, आम जनता ही क्यों ना हो, हर चौक हर चौराहे पर चर्चा है, टिकट को लेकर, प्रत्याशी को लेकर, पार्टी को या जनमत को लेकर ही। कुछ ऐसा ही अजब और नायाब नजारा पटना में भी दिखा। यहां नुक्कड़ सभा के जरिए नाटकीय अंदाज में चुनाव की चर्चा की गई। दिलचस्प तस्वीर आप भी देखिए। आधा उम्र झंडा ढोते रहे, लेकिन चुनाव के वक्त आया तो पैसा लेके दूसरा के टिकट दे दिया गया। अरे हमारे पार्टी का हाल नहीं है, सब पार्टी में यही हाल हो रहा है, पैसा दे रहा है टिकट दूसरा के। इसलिए कहते हैं नेताजी कि झंडा ढोने से और चप्पल घिसने से कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव पर चर्चा का ये अंदाज कुछ हटकर है। नुक्कड़ सभा है, नाटक जरिया है, और निशाने पर भ्रष्टाचार है। ये पेशकश है फैक्टर नाम की एक संस्था की, जो जनता को अपनी इस धुन के जरिए जागरूक करने में जुटी है। हमारा उद्देश्य है चुनाव में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है ये कैसे दूर हो, इसी उद्देश्य से हम इस नाटक की प्रस्तुति कर रहे हैं। पटना के गलियारों में आजकल ये आम है, जनता भी संस्था का जमकर साथ दे रही है। अच्छा सीख मिला, भ्रष्ट आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। तो यह सीख मिलती है कि हम किसी नेता को देखकर नहीं, उसके उसके कार्य कौशल को देखकर चुनाव वोट करेंगे। ये तस्वीरें हैं कार्यक्रम की, लेकिन संस्था हर रोज किसी न किसी नुक्कड़ पर इस तरह के कार्यक्रम में मशरूफ है। जागरूकता का ये नाटकीय अभियान जनता पर कितना असर डालेगा इसका तो अंदाजा नहीं, लेकिन ये अनोखी मुहिम लोगों को खूब भा रही है। हम सब इसके साथ हैं, देखो इस बार स्वस्थ मतदान करेंगे और अपने देश के विकास के निर्माण के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में मतदाताओं से जमकर वादे किए जा रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा के 10 से ज्यादा गांव के लोग
प्रशासन की उपेक्षा से नाराज हैं। ये लोग बीते कई साल से गंडक नहर पर बना पुल टूटने से परेशान हैं और नेता से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जर्जर पुल के सहारे स्कूल जाते ये बच्चे गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के हैं। ये बच्चे हर रोज जान जोखिम में डालकर मठिया खास गांव के पास गंडक नहर पर बना पुल पार करते हैं। हालत ये है कि पुल कभी भी टूट सकता है, ऐसे में बड़े हादसे की आशंका हर वक्त बनी रहती है। पुल टूट गया है तो मुझे आने जाने की बहुत कष्ट हो रही है। 15-20 गांज के और बार रास्ता जौन बात तो खेती खरियान खेत बाड़ी हमनी के सब वो पारे पर पड़ता। अब लड़का डरे स्कूल में जाते नहीं कौन सन, हमेशा मोरे का संभावना जौन बात तो अब आ गई बा लड़कन के कौन लड़का कम हुई क्यों नहीं के जानत। पुल बनाने को लेकर गांव के लोग स्थानीय विधायक से लेकर सांसद और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सालों बाद भी पुल का निर्माण तो दूर मरम्मत भी नहीं हो सकी। डीएम का लगा जाएगा तो डीएम भी नहीं सुनता है, चंदा लगा कर माटी भरवा कर हम लोग जाते आते हैं। ऐसा हमनी के डीएम जनता दबा में भी हमनी के एप्लीकेशन से कोनो सुनवाई हमनी के ना भए। लोगों का कहना है कि नेता चुनाव जीतने के लिए समस्या के समाधान का वादा करते हैं, लेकिन फिर कोई भी इलाके की तरफ मुड़कर नहीं देखता। विधानसभा चुनाव के चलते अब जनता भी नेताओं को सबक सिखाने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छपरा ने देश को कई बड़े नेता दिए। इसी जिले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण पैदा हुए। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव भी इसी इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का संबंध भी इसी जिले से है। बावजूद इन सब के यहां समस्याओं का अंबार है। राजनीतिक चेतना के लिए मशहूर छपरा को संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि होने का गौरव हासिल है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव छपरा की राजनीतिक पहचान रहे हैं, लेकिन हाल के दशक में उनका करिश्मा कम हुआ है। बीते लोकसभा चुनाव में जहां उनकी पत्नी राबड़ी देवी को हार का सामना करना पड़ा, वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन के हाथों हार मिली। बावजूद इसके लालू प्रसाद छपरा की राजनीति में अहम स्थान रखते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी छपरा से ही सांसद हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि छपरा की समस्याएं जस की तस हैं और मुद्दों से अलग राजनीति जातिगत आधार पर हो रही है। वर्षों से जिन मुद्दों पे हमेशा से कैंडिडेट्स लड़ते रहे हैं उसका कोई समाधान अभी नहीं हुआ है। यहाँ समस्याओं पे नहीं लड़ा जाता है, ज्यादा जात के आधार पर लड़ता है। जब आप इलेक्शन के 2-3 दिन पहले रातों रात यहाँ पे वोट जो है कन्वर्ट हो जाता है जात के आधार पे। छपरा जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 4 जबकि बीजेपी और आरजेडी को 3-3 सीटें मिली थीं। इस बार बीजेपी यहां 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी 2 सीटों पर एनडीए के दूसरे घटक दल मैदान में हैं। वहीं आरजेडी 7, जेडीयू 2 और कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हमें अन्य राज्यों में जिस प्रकार से अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे हैं और विकास करके दिखाया है, वह स्वरूप बिहार में भी दिखाई देगा। आरजेडी को लोग नकार नहीं रहे हैं, वो कल जो घर घर मोदी कह रहे थे आज गड़बड़ मोदी कह रहे हैं। बिहार में राजनीतिक गठबंधन में बदलाव हुआ है। पिछली बार बीजेपी के साथ लड़ी जेडीयू इस बार आरजेडी के साथ है, ऐसे में चुनाव नतीजों में परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। रविंद्र सिंह श्योरान, राज्यसभा टीवी, छपरा। और फिलहाल इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।